need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be your right. What's on your mind? कमर्शियल एक्टर हैं, पूरे साल सब कमर्शियल ज़्यादा फिल्में करते हैं, ज़्यादातर हमने अपने पूरे करियर में 90% सब कमर्शियल फिल्में ही की हैं। लेकिन बोलते ना, साल में दो चार कमर्शियल फिल्म और एक मनोरंजन के साथ में मीनिंगफुल फिल्म, रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म, जिसमें समाज की ऐसे ऐसे चीज़ों का जो है वो देखने का मिलता है। जैसे पिछले साल अर्ध आई, एक अलग समस्या पे थी। फिर इसके बाद में जो है वो पलाश मिच्छल के साथ में काम चालू है करने का मौका मिला। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक 50 साल की ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा देश जिसमें फंक्शन बहुत होते हैं, जिसमें निर्माण खूब होता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक, जिसमें हजारों गड्ढे रोज 50 साल से होते हैं और अगले 50 साल तक गड्ढे होंगे, तो सिर्फ ये फिल्म इसलिए बनाई गई कि अगर सफाई के बारे में सब जानते हैं, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, एक हाथ में बाल्टी ले ली और पूरी देश की जनता, प्रशासन, सरकार हो गई, तो देश में सफाई हो गई। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ पूरे देश, दुनिया, मीडिया, कलाकारों से, जनता से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं आपने, और अपना जब तक देश है, दुनिया है, तब तक फंक्शन रहेंगे, गड्ढे खुदेंगे, बांस गड़ेंगे, बांस उखड़ेंगे, एक गड्ढे से एक गड्ढा बनाया जाएगा, दूसरा गड्ढा भरा जाएगा। बस सिर्फ प्रार्थना यह है कि झाड़ू के बाल्टी के साथ में एक फावड़ा भी रख लो और एक परात भी रख लो। अपन चौपालों का देश है, कॉर्नर का देश है, जहाँ पे बोलते हैं ना डस्टबिन रखी रहती है, अगर हम कूड़ा उसमें डाल सकते हैं तो उसी जंजीर में पड़ोस में फावड़े भी रखे रहें। और जहाँ भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जैसे सुबह गार्डन में घूमने गए, पता लगा छोटा सा गड्ढा दिख गया, बस वहीं से फावड़ा उठाया और वहीं पे उसको पाट दिया, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और मेरा एक सपना भी है कि क्योंकि बचपन मैंने भी बहुत चोट खाई गड्ढों में, और ये गड्ढे मतलब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर घर के आसपास, और उसमें गड्ढे करने में हम सब इन्वॉल्व हैं गड्ढे करने। तो हमारी सिर्फ ये प्रार्थना है कि गड्ढे करना तो ज़रूरी है, लेकिन जितना गड्ढे करना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा गड्ढे भरना ज़रूरी है। बस ये अगर हमारी जागरूकता इस फिल्म के माध्यम से आ गई, तो एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हजारों जानवर, हजारों जाने एक्सीडेंट होने से, हाथ पैर टूटने से बच जाएंगी। बस ये फिल्म का भाव ये है, एक रियलिस्टिक कहानी है कि एक आदमी 200 साल से जब 500 गड्ढे
भर सकता है। तो आप सोचिए कि 7-5 लाकड़ी एक जने का बोझ हम सब लोग मिल जाए और अपने घर के अपनी झोपड़ी के अपने घर के आसपास सुबह टहलने निकले, हल्का सा गड्ढा देखा, ओए फावड़ा लाना रे, और बस उसको कर दिया, ना साइकिल गिरेगी, ना मोटरसाइकिल वहाँ पे गिरेगी, ना बच्चे का पैर टूटेगा। बस इस फिल्म को जागरूकता लाने के लिए ये फिल्म दिखाना बहुत ज़रूरी थी। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सब समाज में जो लोग रहते हैं सबके बच्चे बूढ़े नौजवानों की स्टोरी है और सब इसी समस्या को जानते हैं। तो जब ये किरदार कर रहे थे, आप ये प्ले कर रहे थे, तो उसमें जी रहे थे, वो कौन सा एक सीन था, कौन सा एक पल था जब आपके दिल ने कहा कि सर मैं अब कहीं खड्डा दिखेगा मैं इसे पाटूंगा? आप ये पूरी फिल्म आपको एक चीज के लिए जरूर अवेयर करवाएगी कि देखिए गड्ढे रोक नहीं सकते, गड्ढे पूरी दुनिया में होने ही होने हैं, कुछ निर्माण होगा गड्ढे, एक जगह से फावड़ा चलेगा दूसरी जगह भरा जाएगा। फिल्म गड्ढे होने से कोई समस्या नहीं, गड्ढे हो जाने के बाद बांस उखड़ गया वो गड्ढा भरा, उसको प्रॉपर गड्ढा भरा और उसके साथ में जो गड्ढा दिखा उसको प्रॉपर भरा। गड्ढा भरना के प्रति एक भाव अगर हमारी इस फिल्म के माध्यम से आ गया तो हमारा भी सपना है कि मतलब इतना देश सज रहा है गड्ढा मुक्त देश हो जाए तो क्या कहने, उसके लिए हम सबको अपने अपने घर के आसपास के गड्ढे सिर्फ भरने में मदद करनी। मैंने ट्रेलर देखा, पोस्टर भी देखा, पोस्टर भी शानदार है। किसी कलाकार ने, किसी बॉलीवुड के कलाकार ने फोन किया सर ये आपका फिल्म बहुत शानदार, किसी का फोन है? अभी तक जब से शूटिंग शुरू की है जब से यहाँ तक जितने लोगों ने इस फिल्म से एसोसिएट हुए हैं, आई थिंक 20 साल में जितनी मुझे किसी फिल्म की तारीफ मिली होगी तो 20 साल में जो तारीफ मिली उतनी तारीफ मुझे इसमें मिल रही है और मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हम कॉमर्शियल लोग हैं, ज़िंदगी भर हंसाने गुदगुदाने का काम करते रहेंगे, लेकिन बोलते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं वहीं से खुशी के आंसू निकलते हैं, वहीं से गम के आंसू निकलते हैं, वही सेम पर्दा है, वहीं से खुशी दिखाई देती है, वहीं से ठहाके दिखाई देते हैं और वहीं से आंसू दिखाई देते हैं। तो आंसू और हंसी दोनों में मीनिंग समझने के लिए आओ सब मिलकर गड्ढे भरें। क्या सर हम ये उम्मीद करें कि आप जब भी अब कहीं गुजरेंगे अपनी गाड़ी से और आपको गड्ढा दिखेगा तो आप उस वक्त आपको लगेगा डेंजर है तो आप उसे काट देंगे? मेरी तो इच्छा है कि एक गाड़ी ना रुके, 10 गाड़ियां रुके, हर गाड़ी की डिग्गी में एक फावड़ा पड़ा हुआ हो। मेरी सच में इच्छा, मैं कल से यही अपील कर रहा हूं कि अपने चबूतरे पे फावड़ा रखो, परात रखो और अपनी गाड़ी में भी डाल के रखो ताकि 10 गाड़ियों रुका तुरंत उसको पाट लिया और उसको बराबर करके आगे बढ़ लिया। थैंक यू लव यू। माझ्या मुलीला असं घडलं, मी रडत होतो पण ते असं होऊन माझ्याबद्दल जे घडलं ते दुसऱ्याच्या मुलीशी होऊ नये त्याबद्दल मी सदैव असला आजारपण दूर करत आलो, असले गड्ढे कायम मी झाकत आलो आणि असं कोणाच्या वाटणीवर होऊ नये ही माझी इच्छा आहे आणि अशी साथ सर्वांनी द्यावी हे माझं मन म्हणतं आहे। पर सर्वांना मी माझ्या अंतकरणापासून मी ती ही गोष्ट करण्यासाठी सांगतो। मैं अभी भी जस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये फिल्म बनानी पड़ी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी को ये फिल्म ये टॉपिक उठाना पड़े। हर दिन 10 लोगों की मौत होती है खड्डों की वजह से, ये रियल है, ये ट्रूथ है। एंड हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये कोशिश है हमारी कि बहुत जल्दी इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया हैपन हुआ है, योगा हुआ है इंडिया में और स्वच्छ भारत हुआ है, वैसे ही पॉट होल फ्री इंडिया भी हो, गड्ढा मुक्त भारत हो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। एंड जब मैं मनोज पाटिल जी से सांगली में मिला था उनके बारे में जब सुना, देन मैंने जब रिसर्च की बहुत सारे लोग और हैं, मुंबई के हेमंत भालेराव है, इंदौर के हैं राहुल जो सब्जी बेचते हैं, वो सब ये घटनाओं से घटना उनके साथ हो चुकी है और ये अपनी लाइफ पूरी उन्होंने खड्डों के लिए समर्पित कर दी है। वो खड्डे भरते हैं कि किसी और के लिए ना हो, किसी और की बेटी ना खोए, किसी और का बेटा ना खोए, इसलिए वो खुद खड्डे भर रहे हैं। तो पलाश जी मतलब फिल्म रिलीज़ होने वाली, लोगों तक पहुंचने वाली,
आपके क्या लगता है कि कितने मतलब लोग देखने के बाद में क्या मैसेज उनको ऐसा मिलेगा कि वो आगे मतलब ये सब चीज़ें ना हो? ये हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है फिल्म को लेके कि हम लोगों ने ये जो सीरियस थिंग है, हम लोगों ने कोविड को बहुत सीरियसली लिया, जब हर दिन 10 लोग मर रहे थे जब भी बहुत हम लोग सीरियसली ले रहे थे, और ये खड्डे बहुत ज़्यादा सीरियस है, जब तक हम लोग के साथ नहीं होंगे हम लोग को वो सीरियसनेस पता नहीं चलती है। लेकिन जब हम लोगों ने फिल्म बनाई तो हमें पता चला कितना कितना मेजर प्रॉब्लम है ये, और आप सब यहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत, पूरे भारत की एक समस्या है एट द मोमेंट। निर्माण बहुत हो रहा है, हाईवेज बहुत बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है, लेकिन खड्डे भी ठीक हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर दिन इतने सारे लोगों का मरना ये बहुत सीरियस बात है। सब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी शानदार फिल्म, सबने इतना शानदार किरदार प्ले किया है, ये बड़े स्क्रीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा ये फिल्म OTT के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और ये फिल्म हमने बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं की, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे फर्स्ट डे वन से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सिनेमाघर आपको लोगों आपको पता है कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं अभी जाने के लिए, बट सिनेमाघर तो सिनेमाघर है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन Zee5 ने फिल्म ली और इतना ब्रेव कदम उठाया फिल्म को एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे लिए इजी नहीं था फिल्म रिलीज करना टू बी ऑनेस्ट, पर Zee5 ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे और एक इसका ये सवाल का जवाब कि ये थिएटर के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे से फिल्म नहीं थी, क्योंकि किचन की फिल्म है, बच्चे बूढ़े नौजवान की फिल्म है, किचन किचन जाने, आज भी मालूम है कि छोटे छोटे गाँवों में लोग शहर में सिनेमा देखने नहीं जा पाते हैं, सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को सिनेमा हॉल में गाँवों में पहुँचने के लिए, और ये समस्या, गड्ढों की समस्या, शहर की समस्या, गाँव की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, हर गली नुक्कड़ की समस्या, क्यों कहीं भी कुछ वहाँ से दो फाफड़ा मारे और उधर मिट्टी डालनी, उधर से मिट्टी खोदनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गड्ढों की वजह से हम जितना गड्ढे बनाने में सब लोग अभी एनर्जी से आते हैं, लेकिन गड्ढे पाटने वक्त उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पता लगता है कि जरा सा पानी तो फिर वो गड्ढा हो गया, पता नहीं लगता है। हजारों एक्सीडेंट, हजारों जाने बच सकती हैं अगर हमारा सफाई के साथ गड्ढा मुक्त देश हो जाए, और ये हम सबको, जनता जनार्दन सबको मिलके जो है गड्ढा भरने की जरूरत है। अभी मेरा एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, ये जानना चाहता हूँ 19 तारीख को ये रिलीज हो रही है, अभी एक दिन बाकी है, आप लोग अगर चाहते तो एक अच्छा काम कर सकते हैं कि आप लोग सब मिलके, जो भी मेकर सब मिलके गड्ढा पाटे, तो एक तो अच्छा काम भी होगा और उसका प्रमोशन भी होगा। नहीं, गड्ढा हम लोग पाट ही रहे हैं, कल भी पाट रहे थे, आप चिंता मत करो, हम लोगों ने मीडिया बुला के गड्ढे नहीं पाटे, वो भी कहते हैं कि आप भी सब साथ मिलके गड्ढे पाटो, क्योंकि आपका ये प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, इसमें सड़क चलते हुए सड़क नहीं पहचानती, या मैदान में खेलते हुए मैदान नहीं पहचानता कि बच्चा किसका है, किसी का भी बच्चा पैर आ जाएगा तो पैर टूटेगा। दूसरी चीज, एक बिल्कुल एक लाइफ से ओत प्रोत घरेलू फिल्म है जिसका नाम है काम चालू है, एक आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा, हम लोग चूँकि रियल से इंस्पिरेशन लेके, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होके, लेकिन हम लोगों ने एक रील बनाने की कोशिश की है, और इस रील में आपको शामिल करने की कोशिश की है कि हंसते तो जीवन भर रहेंगे, हंसाते एक दूसरे को जीवन भी रहें, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़े से आंसू या गम दिखाते हुए चलें, ताकि जीवन की पटरी जो है वो बैलेंस रहे। थैंक यू, लव यू ऑल। पांच फॉर द स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ काम चालू है, एंड मुझे पता है कि दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एंड इट्स अ वेरी सेंटिमेंटल, वेरी ऑब्वियसली इमोशनल टॉपिक फॉर अ पेरेंट टू लूज अ चाइल्ड, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना होती है, एंड उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अपील टू एवरीवन टू वॉच इट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉच इट बिकॉज इट्स रिलीजिंग टुनाइट। आई एम एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ वेडिंग, लेकिन आई हैड टू कम हियर टू विश पलश ऑल द वेरी बेस्ट।
क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है एंड खुद से आई नो फ्रॉम हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू नाउ माशाल्लाह इज डूइंग रियली वेल. सो आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड दुआ करती हूँ कि ऐसी घटना किसी भी पेरेंट के साथ ना घटे एंड सबके बच्चे सुरक्षित रहें. एंड प्लीज़ ये फिल्म देखकर अवेयर हो जाइए एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके लेट्स हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर यू नो फैसिलिटीज़, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना घटे. थैंक यू सो मच. ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, राजपाल सर का एक नया अवतार है जी, कॉमेडी में हमने उनको देखा है, बहुत अच्छे करते हैं, ये अलग किरदार है, कितना पसंद कर रहे हैं? अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोलें, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित ना नहीं करना चाहिए. ऐसा है कि बहुत ईजिली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकते हैं. तो ये आई थिंक ये एक्टर होते हैं एंड आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो बींग एन एक्टर, आई नो दैट इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टन कैटेगरी, लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड, उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं. और दूसरी चीज़, मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है, जिया मानिक, बहुत ही पॉपुलर हैं वो टीवी पे, तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको इस ट्रेलर में देखा एंड वो एक अच्छी एक्टर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बींग भी है, तो मैं तो चाहूँगी कि उनके साथ हमेशा अच्छा ही हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म. थैंक्स. हाँ, वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. थैंक यू. बहुत खुश है कि फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत मेहनत से बनाई है. वी आर ट्राइंग टू गिव आउट अ वेरी नाइस मैसेज दैट विल चेंज लाइफ्स, वी ट्रस्ट एंड दैट विल मेक अ डिफरेंस. सो वी होप यू ऑल एंजॉय, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंजॉय किया एवरी मोमेंट ऑफ द मेकिंग एंड एवरी मोमेंट टुगेदर. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. प्लीज़ फिल्म देखें और अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए. इस फिल्म में आपने वाइफ का किरदार निभाया, क्या आप बोलना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी? क्योंकि ये एक बहुत ही रियल स्टोरी है, तो मेरे लिए कनेक्ट कर पाना इस किरदार से बहुत ही आसान था. ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ बचपन से जो मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ, जो मैं अपने आसपास के जो रिश्तों को देख रही हूँ, तो वो सबसे बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है. सो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी टू कनेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ राधा पाटिल. आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे घर की कहानी है, ये वाइफ तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है. सो शी इज़ जस्ट लाइक अ रेगुलर वाइफ हु डज एवरीथिंग दैट शी नीड्स टू डू फॉर अ फैमिली, कीपिंग हर फैमिली फर्स्ट. टेलीविजन पे आपको बहुत पसंद किया गया, लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत सारा प्यार दिया है, आप आपको बड़े पर्दे में आने आए, ओटीटी में भी दिख रहे हैं, कितना फर्क है दोनों? बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म बहुत ही इरेलेवेंट है, चाहे वो OTT हो या थिएटर हो या फिर यू नो टेलीविजन हो. आई एम हैप्पी टू जस्ट बी एक्टिंग वेदर वट एवर द प्लेटफॉर्म इज. वेल, मैं बहू थी क्योंकि मैं पहले किसी की वाइफ थी, वाइफ पहले बनी उसके बाद बहू बनी. सो यस, आई हैव बीन देयर डन दैट, बट दिस टाइम द रोल एंड द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, द मैच्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, फ्रॉम वेयर शी कम्स हर बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट एंड हर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड वॉट हैपन्स टू हर फैमिली इज़ डिफरेंट. ऑडियंस को मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिसपे हमने ये फिल्म बनाई है, और एक बहुत प्यारा मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इट इज़ लिमिटलेस, एंड वी शुड ऑल टुगेदर एक्सपैंड आर सेल्व एंड स्ट्रेच आर सेल्व टू सी वॉट वी कैन डू बियॉन्ड आर कम्फर्ट जोन, नॉट नेसेसरली फॉर आर सेल्फ फॉर आर फैमिली, बट गोइंग लिटिल बियॉन्ड दैट, एंड वेन वी डू दैट लिटिल मोर वील सी अ नेशन दैट इज़ बेटर फॉर अस एंड इवन for the upcoming generation. Thank you. कल फिल्म रिलीज होने वाली है. हाँ जी. पलाश की क्या कुछ देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे फिल्म पे? मैं कुछ भी कहूँगी तो बायस साउंड करेगा, बिकॉज मेरे भाई की फिल्म है, लेकिन
ऑनेस्टली बिल्कुल मेरे भाई की फिल्म है इस लिहाज से नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सोशल मैसेज है। आम तौर पे हम जो भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसके लिए बहुत सारे दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ब्लैबर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे ग्रजेस दिखाने लगते हैं, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आई एम श्योर जब आप देखेंगे आप रिलेट करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेकर जा रही हूँ वो ये है कि कंप्लेन करने के बजाय आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और ऐसा करने से आप सिर्फ खुद की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि पलाश ने इतनी खूबसूरत फिल्म डायरेक्ट की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब Z5 पर इस फिल्म को जाकर देखें। मुझे बहुत खुशी है कि राजपाल सर और पलाश का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। राजपाल सर तो एक लेजेंडरी एक्टर है, और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं स्क्रीन को लिट अप कर देते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि पलाश को उनका इतना ज़्यादा आशीर्वाद है। मैंने इस फिल्म में सिर्फ गाया ही नहीं है बल्कि लिखा भी है, एंड या आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म। आई हैव बीन वन ऑफ द मेनी फैंस दैट राजपाल भाई हैज, और बहुत अच्छे मित्र बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, और जब वो बुलाते हैं स्पेशली पर्सनली इनवाइट देते हैं तो आना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैं उनकी सारी फिल्में सारी वेब सीरीज़ आई ऑलवेज वॉच इट, बिकॉज दैट मैन हैज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम, आई मीन यू नो ही इज़ अ परफॉर्मर, वो फिल्म वो एक किरदार निभाते हैं, एंड फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट ग्रेट लर्निंग टू वॉच हिम। और अभी भी अलग है, देखो लुक एट दिस, आई नेवर एक्सपेक्ट, हे डलास हाउ यू डूइंग, तो इसमें भी बहुत ही अलग लग रहा है, सो आई एम श्योर इट विल बी अ ट्रीट फॉर ऑल राजपाल यादव फैंस, सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप इट गेट्स ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। आई नो आई विश हिम ऑल द बेस्ट रियली पलाश, मुझे राइटिंग एंड डायरेक्टिंग इट, एंड आई थिंक ये दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल है, सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर बोथ ऑफ देम। देखो राजपाल यादव की कोई भी फिल्म है छोड़ना मत, आई एम श्योर यू ऑल नो एंड मैं क्या बता रहा हूँ, एवरीबडी लव्स राजपाल भाई। थैंक यू सो मच। आई विश देम ऑल द बेस्ट, फर्स्टली तो बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारे विशेज, बहुत सारे, राजपाल इज़ अ डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे खूबसूरत आर्टिस्ट, उनकी फिल्म है, आई एम श्योर बहुत मज़ेदार होगी, कुछ डिफरेंट दिखने को मिल रहा है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। एक्टर ग्रेट राजपाल जी हो या देश के राज्यपाल, दोनों का ही भक्त है आपका कॉमेडी का लाल सुनील पाल, और इसी तरह से इन दोनों के आशीर्वाद से सुनील पाल का काम चालू है और चालू ही रहना चाहिए, मगर काम चालू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, क्वांटिटी का नहीं, है ना। तो ये राजपाल साहब की जो फिल्म आ रही है काम चालू है, इससे पहले भी इसी कंपनी की एक फिल्म आई थी इसी टीम की, पलाश मुंजाल की अर्ध, बहुत अच्छी फिल्म थी, कई सारे अवार्ड और रिवॉर्ड मिले, इस फिल्म को भी मिलेगा क्योंकि ये सीधा सटायर करती है कॉमेडी के साथ एक सोसाइटी को, सिस्टम को, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खूब आगे बढ़ाना चाहिए। इस फिल्म को सबसे पहले मैं देखूँगा क्योंकि मेरे घर पे 5G भी है और Z5 भी है। अभी भी काम मुंबई में भी काम चालू है, प्लस रिलीज चालू, काम चालू रिलीज हो क्या? बहुत बढ़िया, ये सोच ही अपने आप में कमाल है। देखिए क्या है, आज वो समय आ गया है क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा प्रोडक्शन बना रखा है, जो मेरी फिल्म गाली गलौज भी आई है, अभी आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, थॉट ओरिएंटेड फिल्म बन रही है जिसमें पब्लिक एक बार जाए और एक कैरेक्टर के साथ उसके प्यार में उसकी कहानी में समा जाए, उसके साथ उसकी जर्नी शुरू हो जाए, तो ऐसी फिल्में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर OTT लाइक Z5 ऐसी फिल्मों को बहुत प्रमोट करी, हमारी फिल्मों को भी Z5 ने प्रमोट किया था, तो मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है कि
बेकार की वल्गरिटी, बेकार की गाली गलौज, बेकार की न्यूडिटी को सपोर्ट करने के बजाय पलाश मुंजाल की फिल्म हमारी काम चालू है। ऐसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में बनने का भी काम चालू है, मेरी भी बहुत सारी फिल्में आने वाली है। तो राजपाल, सुनील पाल, अर्जुन रामपाल, हे पालन हारे हम सबको पाल। काम चालू फिल्म रिलीज हो रही है राजपाल सर के। नहीं नहीं, ये फिल्म, मैं यही कहना चाहूँगा जो फिल्म का जो टाइटल है ये हर एक्टर पे लागू होता है कि भाई काम चालू रहना चाहिए तो एक्टर जिंदा रहता है। एंड डेफिनेटली अच्छी होगी, इन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। एंड राजपाल तो है ही कमाल के एक्टर, तो मेरी बेस्ट विशेज इनके लिए है एंड मेरा भी काम चालू ही है। काम चालू तो पहले था, अब तो उन्होंने काम जो था वो सबके सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म। मैंने प्रोमोज देखे हैं, राजपाल जी की परफॉर्मेंस के लिए जितना कहा जाए उतना कम है हमेशा ही, बट इसमें जो इमोशंस हैं जो प्रोमो में उनकी कुछ कुछ छोटे छोटे जो सीन्स के पार्ट्स दिखाए हैं वो देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू टेक हिज परफॉर्मेंस नॉट जस्ट वन नॉच हायर बट मेनी नॉचेज हायर इन दिस फिल्म। And I'm really excited to watch it. आई थिंक एज एन एक्टर ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने वर्सेटाइल होते हैं। एंड राजपाल जी को सभी किंग ऑफ कॉमेडी की तरह जानते हैं, लेकिन उनका ये साइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अब निखर के बाहर आ रहा है। जैसे कुछ टाइम पहले उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी अपूर्वा, उसमें उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। ये टोटली इमोशनल है, सो आई एम सो ग्लैड दैट नाउ ही इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म जहाँ वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं ये भी पता चलता है, कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो पता है ही। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? यू कैन सी द फिल्म इज मेड विद सो मच लव एंड हार्ड वर्क। एंड अभी तो मैं फिल्म देखने के बाद आई एम नॉट श्योर अगर मैं रोए बगैर बाहर निकलूंगी तो, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं फिल्म देखते हुए रोने लगती हूँ। एंड ये फिल्म तो वैसे भी पेरेंट चाइल्ड इमोशन पे है, तो आई एम गोइंग टू फील अ लॉट, बट या जस्ट बाई सींग द प्रोमोज आई कैन वाउच दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल फिल्म टू वॉच एंड great performance. काम चालू है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी ऑन अ ट्रू स्टोरी। आई व्हेन आई वॉच्ड इट आई वाज टच, तो काफ़ी अच्छी मूवी है और आई थिंक राजपाल सर जिया और पलाश ने बहुत अच्छा काम करा है। सो आई वुड जस्ट से कि गो आउट एंड वॉच इट, इट्स कमिंग टुमारो ऑन जी फाइव। पलाश सर की राज सर के साथ भी सेकेंड मूवी से पहले उन्होंने अर्थ की थी, वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी फिल्म लगी और आई थिंक अर्थ भी काफ़ी यू नो क्लोज टू रियलिटी मूवी थी एंड ये भी, एंड आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। बस आई थिंक ये मूवी देख के बहुत हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, सो आई एम श्योर कि सारे लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। ऑडियंस को क्या मैसेज देना है? आई थिंक कल आ रही है जी फाइव पे, काम चालू है, सो प्लीज़ गो आउट एंड वॉच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई की फिल्म देखने आए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपने भाई को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी और बहुत लोगों को पसंद आएगी और खूब चलेगी। गॉड ब्लेस। ऑडियंस के लिए हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम कोशिश करते रहे हैं कि अच्छी अच्छी फिल्में आपके लिए हम लेकर आएँ, ये भी उसी तरह का एक प्रयास है। आप फिल्म देखने जाएं, ना आपको निराशा नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।